हाँ सोलो हाँ हो गया दादा थैंक यू। तो दरबान रिलीज होने वाली है 3rd अप्रैल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। विपिन नागकरी सर ने डायरेक्ट की है और शरद खेलकर और शारुख हाशमी है मेरे साथ, रसिका डुंगल अपास। तो बहुत एक्साइटेड है उस प्रोजेक्ट को लेके। बहुत टाइम के बाद रिलीज़ हो रही है, बहुत टाइम लग गया उसको बनते बनते। कैसा लगा? बहुत अच्छा। 19 पार्टीशन के टाइम पे थोड़ा सा सेट है एंड आई थिंक जो अमलेंदु है हमारे DOP बहुत अच्छा काम किया। यू मस्ट सी, वो बिल्कुल जैसे एक पोस्ट कार्ड नहीं होता, पिक्चर्स पेंटिंग्स ऐसे फ्रेम्स हैं। थैंक यू, थैंक यू सर। देख हम लोग है ना, इधर खड़ा है, इधर इधर खड़ा रहे ना, उसको आर्टिस्ट को इधर बुलाओ, आर्टिस्ट को सामने बुलाओ, ऐसा मत देखो, बुलाओ जोर से। वैसे हर कोई सोचता है कि हमें अवार्ड्स के लिए मेहनत नहीं करनी है, पर जब हर किसी को अवार्ड मिलता है तो वो बहुत ही मोटिवेशनल होता है और बस हमें और भी ज़्यादा लगता है कि हम और ज़्यादा मेहनत करें अपने काम में। और हम बस यहाँ पे अपना काम करने आते हैं और कुछ छोटा सा अप्रिसिएशन अगर मिल जाता है तो ऑब्वियसली बहुत खुशी होती है। अवार्ड्स एक्चुअली मायने रखते हैं, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो तो काम का रिजल्ट ऑब्वियसली ऑडियंस देती है आपको, पर यही सारी चीज़ें जो होती है वो एक एंटरटेनमेंट भी होती है और ऊपर से सेल्फ एस्टीम आपका बूस्ट हो जाता है थोड़ा। सो ऑब्वियसली अवार्ड्स डू मैटर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अवार्ड्स मैटर करते हैं, पर यस कहीं ना कहीं मुझे तो अच्छा लगता है अवार्ड्स मिलना, अवार्ड्स देना या अवार्ड फंक्शंस में जाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। भारत लाइक एन अवार्ड, दिस इज द 3rd ईयर हमारे। वी आर डूइंग द नाइस कोरियोग्राफी की दो हमारी परफॉर्मेंसेज हैं। निगार शी इज द कोरियोग्राफर जिन्होंने पूरी एक्ट कोरियोग्राफ की हुई है। सो इट्स अ कंपनी कॉल्ड NJ डांस कंपनी, सो यू विल सी दिस वेरी सून। लास्ट 3 ईयर्स से हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एज यूजुअल, और इस साल के लिए भी लुकिंग फॉरवर्ड अमेजिंग ही होगा। भारत आइकॉन अवार्ड के लिए हार्दिक शुभेच्छा, और ऐसे अवार्ड होते रहे और जो भी जिनको भी मिलते हैं उनका उत्साह भी बढ़ता है और एक काम करने का उनको और मतलब कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरी ओर से ऑल द बेस्ट भारत आइकॉन अवार्ड को। All, I'm really thankful to Royal Heritage Foundation for giving me Bharat Icon Award. It means a lot to me, and I would like to thank Akhil Bansal ji and all the members of this organization for giving me this award. Thank you so much. And yeah, I'm feeling so honored and privileged. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Thank you. अवार्ड्स मिले हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उसमें से एक मैं भी हूँ तो मुझे भी अवार्ड मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। कहाँ से जाना? भारत आइकन 2019 एंड इट्स अ प्रिविलेज टू बी कनेक्टेड टू द भारत आइकन फैमिली। माय स्पेशल विशेस टू अखिल जी बंसल फॉर गिविंग एवरीबडी अ प्लेटफॉर्म टू प्रोग्रेस एंड मूव अहेड इन लाइफ। It's been a great platform. There is lots that's happening thanks to this, my sports, my books, and I'm looking forward to keep being a part of the Bharat Icon family. Thank you. देने वाला एक अवार्ड भी है
आपको, तो आप क्या कहना चाहेंगे? Yes, I think it's a very humble attempt from my side to now venture into the original music and the original sound space through my YouTube channel, Woman of All Shades. And this is my second original song that I'm launching on my channel. And I think it's a great honor for me कि मुझे भारत आइकन अवार्ड्स जैसा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे मैं अपने टीजर का लॉन्च कर रही हूँ. I think there couldn't have been anything better that I could ask for. So I'm really excited about it. जी, मेरे सॉन्ग का नाम है आप कह गए, जिसके टीजर का लॉन्च आज हम भारत आइकन अवार्ड्स 5th एडिशन में कर रहे हैं. उसके बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये बेसिकली एक नज़्म है जिसको हमने एक फ्यूजन का साउंड दिया है. एंड इट इज़ शॉट इन शिमला कुफरी ऑल ओवर द स्नो. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रोमांटिक वीडियो. तो इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्च्ड नेक्स्ट वीक और आज आप इसका टीजर देखेंगे भारत आइकन अवार्ड्स 5th एडिशन में. तो आई थिंक आई वुड जस्ट एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ विजुअल ट्रीट एज वेल एज सुनने में भी वो गाना आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. सो आई जस्ट एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू कीप इन योर प्रेयर्स. थैंक यू. आई फील रियली गुड and I've got the award of best postman. I feel really good. Are you excited for something else in your life? The further you would like to do anything you'd like to share? Yeah, I want to become a world champion. Thank you. Yes, many many congratulations to Mr. Akhil Bansal for the 5th edition of Bharat Icon Awards. And I'm very thankful to be here to be a part of this wonderful event. And thank you to the whole team for giving me this honor. And yes, it is a wonderful cause that the whole foundation is supporting, Beti Bachao and Bharat Swachh Bharat. So, aur wo bhi abhi 8th March, jo day after tomorrow is 8th March, Women's International Day, and getting an award and honor in such a special event, to bahut hi acha lag raha hai. And I'm very thankful and happy Women's International Day to everyone. Thank you so much. आई विश देम ऑल द बेस्ट. अखिल बंसल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड हर किसी अवार्ड से अगर भारत जुड़ जाता है तो वो अवार्ड अपने में बहुत बड़ा हो जाता है. सो आई एम विशिंग हिम ऑल द बेस्ट एंड मे ही कीप डूइंग सच काइंड ऑफ इवेंट्स. एंड हम जैसे स्मॉल डिजाइनर्स को ये रिकग्नाइज करता है. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड यस आई विश हिम ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. आपकी तरफ कर रहा हूँ. हाँ, आप गुजरात के नहीं, चाइना के सुपरस्टार, इंडियन सुपरस्टार. ये अवार्ड इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इसके नाम में ही भारत है और भारत जो दुनिया का आइकॉन है. ऐसे अवार्ड के नाम में जब भारत आइकॉन अवार्ड आ जाता है तो देने वाले को भी सम्मान नहीं फील होता है और जिसको लेना है, जिसको मिलता है, उसके लिए तो इससे बड़ा ऑस्कर अवार्ड भी नहीं हो सकता. जी हाँ, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे वेब सीरीज़ हैं, लाइव शोज़ हैं और सोशल मीडिया पर तो हुई, टिकटॉक पर भी आ गया हूँ.
सुनील पाल की चौपाल यूट्यूब चैनल भी है, तो आप जहाँ जहाँ मौका मिले वहाँ वहाँ प्लीज़ मुझे देखिए, आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू, आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के रहिए भाई भाई, क्योंकि प्यार के रंग से खेलो रे होली, चढ़ के ना ये रंग उतरेगा, हर रंग कच्चा रे कच्चा, प्रेम रंग सच्चा रे सच्चा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली, थैंक यू भाई, मजा आता हूँ। Hello everyone. Okay, Adam, I'm not sure. Thank you. How excited are you? Very happy and congratulations to Bharat Icon Award and happy 5th anniversary. Thank you so much. Yeah, I think so. That's why they've called me and really very happy to be a part of this. So you have won among number of awards, what stand in your life, any award? See, every award I think it's a motivation for, you know, for more hard work and, you know, you feel happy for the hard work that you've done. So it's an achievement, I feel. So yeah, I respect all the awards. Thank you very much. Well, my experience with Khatro was amazing. I think it's a lifetime experience. Ek baar kar liya matlab, you know, because you won't be able to do these things in your life ever. So, and of course, apne fear se aap fight karte ho. अलग अलग तरह के जानवर आपके ऊपर डाले जाते हैं जो कि आप देख के जिसे यूजुअली आप भाग जाते हो, बट इट्स ऑल अबाउट फाइटिंग योर फियर्स एंड फेसिंग योर फियर्स, एंड आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ब्रिलियंट रहा है। हर साल होली की तो बहुत सारी प्लानिंग होती है, बट इस साल बिकॉज आप सब जानते हैं कोरोना वायरस इज देयर, सो आई थिंक आई विल बी अवॉइडिंग दिस ईयर टू प्ले होली बिकॉज इट्स बेटर टू बी सेफ। सो हर साल तो ऑफकोर्स बहुत धूम धमाके से होली होती है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, इस बार आई थिंक इट विल बी अ क्वाइट होली घर पे फ्रेंड्स के साथ। वेल आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से अ वेरी 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 हैप्पी होली, थैंक यू वेरी मच। रिधमा तिवारी, हाय। Yes, yes. Hi. Are we ready? Yeah. So I want to wish Royal Heritage Foundation congratulations because this is the 4th year. And Akhil Bansal sir, thank you so much for acknowledging my hard work and presenting me with an award. We actors work very hard for this appreciation, and I'm truly feeling very blessed, and I'm filled with a lot of gratitude for this award. And so many more years to go, and you're doing a great job, Akhil Bansal sir. So I wish Royal Heritage Foundation congratulations. Thank you so much for having me here. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. सब बढ़िया। आज नया नया डेब्यू किया हुआ टिकटॉक पर। आवा क्या पूछी? सब पूछी। भारत आइकॉन अवार्ड 2020 सबसे पहले तो पूरा भोजपुरी दर्शकन के, पूरा भोजपुरी समाज के साथ साथ मेरे पूरे हिंदुस्तान वासियों को, सबको उनके अपने और उनके सबसे चहेते प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा, सलाम बा। और आज एक बहुत ही खूबसूरत भारत आइकॉन अवार्ड्स का
ये आयोजन किया गया है, इसमें हम लोग आए हैं और चूँकि बहुत गर्व की बात है, इसका नाम भी जुड़ा हुआ है, चूँकि भारत आइकॉन अवार्ड्स फिफ्थ एडिशन है, शायद पाँचवीं बार हो रहा है 2020। सो देखिए बहुत एक्सपेक्टेशन है, अच्छे पॉजिटिवली कुछ अच्छा ही होगा, हमारे काम को सराहा जाएगा, लोग देखेंगे और जैसा उनका डिसीजन होगा ज्यूरीज का वैसा वो लोग ज़रूर बताएंगे। हाँ, अभी एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है 3 अप्रैल को, प्रेम गीत, उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की पारिवारिक फिल्म आ रही है जिसका नाम है दोस्ताना, जो बहुत खूबसूरत और बहुत कमाल की है, चूँकि पिछले साल आप सब ने मेरी फिल्म विवाह को बहुत बड़ी हिट बनाई, तो उसके बाद अब उसी तरह उसके ऊपर उससे भी हाई लेवल का इमोशन लेकर आ रहे हैं और पहली बार पिता पुत्र के इमोशन को दर्शाया जा रहा है उसमें, तो वो दोस्ताना रिलीज़ होगा अभी बहुत जल्द, जब भी लगे आप लोग ज़रूर देखिए, बाकी अभी अवार्ड फंक्शन में देखते हैं क्या होता है। बस यही कि बधाई हो इसका ऑर्गेनाइजर को और जितने लोग जुड़े हैं इस अवार्ड के साथ उन सबको, और तमाम लोग और जो लोग आज जिनकी उत्साह है कि जिनको अवार्ड मिलना है, तो बस सबके लिए ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामना, और यही कहूँगा कि होली का त्यौहार आ रहा है और होली बढ़िया मस्त रंग बिरंगी मनाइए, एक दूसरे को गले लगाइए, और चूँकि कहा गया रंगों का त्यौहार है ये, और सारी विभिन्नता सारी चीज़ भूल के एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से मिली और माहौल को अच्छा बनाइए। हाँ, बहुत 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 खुशी की बात है और बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो उस गाने से जुड़े हुए सभी लोगों को, जितने भी लोग उस गाने से जुड़े हुए सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत खुशी की बात है कि ये गाना लोगों ने इतना पसंद किया, लोग इतना प्यार दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे ही जो भी अच्छे गाने आए भोजपुरी में सब लोग सबको आप लोग सुनिए और अपना पूरा आशीर्वाद दीजिए, और वैसे भी भोजपुरी गाने जब भी आते हैं यूट्यूब पर तो हमेशा ट्रेंडिंग पर रहते हैं, लोग हमेशा भोजपुरी व्यूवर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, हमारे जितने भी भोजपुरी के मेरे लोग हैं, मेरा परिवार है, सभी लोग बहुत प्यार देते हैं भोजपुरी के अधिकतर गानों को, तो ये बहुत खुशी होता है कि जब हमारा भोजपुरी जब आगे बढ़ता है, जब देश विदेश में इसका नाम फैलता है, लोग इसे और जानते हैं, लोग इसके गानों पर जब नाचते हैं, और भोजपुरी गाना ही कहा जाता है, जब भी गाना भोजपुरी गाना बजता है तो अपने आप लोग थिरकने लगते हैं, तो कमरिया हिला रही है, सुनते रहिए, और साथ साथ जाते जाते एक ही गाना मेरा जो सबसे प्रिय है और आप सबका बहुत ही फेवरेट, कि पांडे जी का बेटा हूँ और चुम्मा चिपक के लेता हूँ, तो गाना सुनते रहिए, सुनाते रहिए, 300 मिलियन, हाँ 300 मिलियन पहुँचने वाला है गाना, तो आप सब लोग जल्दी से 300 मिलियन पहुंचाइए और इसको और बढ़ाइए और प्यार दीजिए, सेलिब्रेट किए होली, और होली हमने मनाया है अभी जो कि आने वाला है 9 मार्च को शाम को 7 बजे, आप लोग ज़रूर देखिएगा अपने टीवी चैनल पर, बिग गंगा पर आ गया, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा होली फगुआ 2020। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू। सर इट्स अ ग्रेट इवेंट, बहुत अच्छा इवेंट है रॉयल हेरिटेज फाउंडेशन का, और जो जो उसका पर्पस है, जो कॉज है, दैट इज़ भारत स्वच्छ भारत अभियान एंड गर्ल चाइल्ड, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी लाइक द इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हाट आर कंट्री इज़ लुकिंग एट, स्वच्छ भारत तो सबको चाहिए एंड द गर्ल चाइल्ड इज़ ऑल्सो समथिंग, जैसे कि विमेंस डे आ रहा है, सो लुकिंग एट दैट पॉइंट, वो ओकेजन को देखते हुए गर्ल चाइल्ड ऑब्वियसली अ गर्ल बिकम्स अ वुमन, so it's a great honor to be having a part of me myself having a part of such a prestigious awards, looking forward for the evening or yeah that's all. Expectation to ye hai ki been the category which has been given to me, that is the best actor 2020 for the television, so that is something which is a proud moment for me. So yeah, I feel blessed and Om Namah Shivaya. होली की स्पेसिफिक प्लानिंग इस बार तो फैमिली के साथ है, यूजुअली हर साल फैमिली के साथ ही होती है इंदौर में, तो जैसे कि अभी मैं नया पिता बना हूँ तो फर्स्ट होली है मेरे बेटे की, सो वी हैव फ्यू गैदरिंग्स, वी हैव फ्यू अरेंजमेंट्स एट होम जो जिसके लिए मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, एंड है बाकी बहुत धमाल धमाल है होली की डिफरेंट डिफरेंट प्लानिंग।
जो मेरा अभी शो चल रहा है दैट इज़ मेरी गुड़िया लुकिंग एट दैट प्रोजेक्ट आई एम मोर हैप्पी एंड दिस इज़ गोना बी एडिशन टू द शो ऑल्सो फॉर द बेस्ट एक्टर 2020 सो इट्स समथिंग विच इज व्हाट आई फील ब्लेस्ड अबाउट तो या दैट्स ऑल हाँ सिंगल एल्बम मैंने भी किया था लास्ट ईयर मैं गैर हुई वो आप सब लोगों ने देखा सो दैट इज़ समथिंग हाँ अभी जो एक दो मेरी बात चालू है व्हाट आई एम ट्राइंग माई सेल्फ इन टू इस पंजाबी कैटेगरी मैं पंजाबी एल्बम्स में ट्राई कर रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा आई मीन आज की जनरेशन में जो आप देखोगे क्लब्स हो गए घर की पार्टीज हो गई हर जगह हो गया दिस इज़ व्हाट द मेन जॉनर हैज़ गॉन इन टू पंजाबी सॉन्ग्स आर डूइंग वेल दो लेट्स सी इफ़ द गुड प्रोजेक्ट कम्स इन आई एम डेफिनेटली ऑन फॉर दैट थैंक यू क्या कहना चाहेंगे पांचवा साल भारत आइकॉन का और कुछ गा के सुना ओ आज दर पे चल के आया है मौका सर सबको मेरा सादर प्रणाम नमस्कार सारे मेरे देशवासियों को जितने भी कलाकार हैं मेरे जैसे सबको बताना चाहूँगा कि ये आपका छोटा भाई आलम जिसने वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में ये मौका हिट किया था पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था सिर्फ एक गाना गा के वो था मौका और मैं आज शुक्रगुजार हूँ भारत आइकॉन का कि सारे अच्छे आर्टिस्टों को जो वाकई में यहाँ पे जिनको देना चाहिए सम्मान उनको अवार्ड दे रहे हैं तो मेरी तरफ से सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ तो वही मौका सुना देते हैं एक बार सबको ओ आज दर पे चल के आया है मौका ओ रब्बा आ ही गया मौका 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 सत श्री अकाल सलाम आदाब सच्चाई यही है और ये पहला कोई फंक्शन है मैं जिसमें जा रहा हूँ या कुछ लेने जा रहा हूँ अदरवाइज तो मैं दूर से हाथ जोड़ लेता हूँ सबको बट अच्छे हम लोग पिक्चरें बना रहे हैं पिक्चर आफ्टर पिक्चर हाँ जी पंजाबी फिल्म शुरू हुई उसके बारे में बता दीजिए सर मैं हर लैंग्वेज में बना रहा हूँ मराठी गुजराती तमिल तेलुगु सब भाषा में अभी पंजाबी बना रहा हूँ मेरी वोटी दा जवाब दे सो मेरी वोटी दा ब्याह वो रिलीज है अभी शूटिंग है उसके लिए आया हूँ मैं वापस करके और पिक्चरें तो बना ही रहा हूँ वो बनाते रहेंगे जब तक ठीक रहेंगे जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन सब खेल खत्म हो जाएगा बट मैं तो जब तक जीऊँगा जब तक बनाता रहूँगा इतनी पिक्चरें मोर देन 60 पिक्चर बनाई 40 पिक्चर डायरेक्ट की है हिंदुस्तान का कोई एक्टर नहीं होगा जिसके साथ काम नहीं किया थैंक यू वेरी मच पाँचवें बरस के लिए और बस अभी अंदर जा रहा हूँ देखते हैं क्या होता है और बस ऑल द बेस्ट फ्रॉम भारत आइकॉन अवार्ड ओके थैंक यू चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबको हैप्पी होली और रंगों की शुभकामना है और हिमांशु भाई के साथ मेरी दोस्ती 15 साल से ये भारत आइकॉन अवार्ड के साथ 5 साल से मैं जुड़ा हूँ और ब्राइट आउटडोर पार्टनर है और उसके सिवा भी मुझे आई थिंक 4 साल भारत आइकॉन अवार्ड मिला है और आज मैं भी अंदर जाता हूँ मिल रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है लेकिन भारत आइकॉन अवार्ड इतना बड़ा नाम है तो वो प्रेस्टीजियस अवार्ड के लिए मुझे बहुत खुशी है और मेरे सब दोस्त लोग मुझे चांस बोलते हैं कि इतना अच्छा अवार्ड तेरे को मिला है
आई थिंक लास्ट ईयर में आया था, आई एम नॉट वेरी श्योर, थर्ड वाले में मैं आया था, बट इस बार हम निशा के लिए आए हैं बिकॉज निशा इज़ गेटिंग एन अवार्ड, सो दैट्स वाई वी आर हियर. एंड सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग, बहुत अच्छा लगता है जब अवार्ड से आपकी मेहनत को सराहा जाता है. सो आई थिंक निशा हैज़ द अवार्ड विनिंग डे टू डे, सो शी शुड टॉक मोर. What should I say? I mean, it feels great to get an award. It's not really like you really can't grade anybody like that. कि जिन्हें award मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, but मिलता है तो अच्छा लगता है. Definitely लगता है कि आपके काम को appreciate किया जा रहा है. And you know, single का award जो है, single project, single features बहुत ही आ रहे हैं. आप लोग कैसी कोई planning क्या आने वाले दिनों में single album आप लोग ऐसे करेंगे? हम एक ऑलरेडी एक चीज़ कर चुके हैं एक्चुअली, वी जस्ट वेटिंग फॉर द रिलीज ऑफ दैट म्यूजिक वीडियो टू हैपन. सो ये हमने कुछ नवंबर दिसंबर में शूट किया था, सो देखते हैं. बट वी आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स फॉर द डिजिटल प्लेटफॉर्म, एंड जो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, सो आने वाले वक्त में आपको बताएंगे उसके बारे में. How would you put it? Family genre. It is romantic, sad. Romantic and family. Yeah, romantic and family you can say. And it's a little sad story also to it. So something like that. And आजकल तो इतना कोई specific तो नहीं है. हम लोग सब family, मतलब मैं, निशा, काविश, उसकी नानी, ये सभी साथ में होंगे. And also because of जो आसपास आज चल रहा है तो थोड़ा सा कंटेन्ड ही सब लोग रह रहे हैं, बट आई होप एवरीबडी हैज़ अ सेफ होली. अगर अब काविश आ गया तो जाहिर सी बात है कि हम सब कुछ कोशिश करते हैं कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो कलर्स देखे, वो देखे कि कैसे पानी से खेला जाता है. बट आई थिंक वी विल प्ले होली इन द बाथरूम विद काविश दिस टाइम, बिकॉज आई थिंक दैट्स द सेफेस्ट वे टू डू इट. हाय, मैं हूँ करण. और मैं हूँ निशा. और हम दोनों की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली. थैंक यू. एक सामने से ले ओ एक फ्लॉट आवाज में. Too tall, man. What do you like instantly? I said I like how instantly hurt himself. Yeah. Thank you so much. सबसे पहले तो मैं अखिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे इस पुरस्कार से सम्मानित किया. ये एक अच्छा कार्य है कि जब समाज में कोई कार्य करता है, अगर उसके कार्यों को हम रिकॉग्नाइज़ करते हैं तो और लोगों को प्रेरणा मिलती है और आगे कार्य करने को हमें हौसला मिलता है. मेरा तो यही कहना है कि मैं इत्र से महकूँ ये आरजू नहीं, तमन्ना बस यही है कि मेरे किरदार से खुशबू आए, मेरे किरदार से खुशबू आए. सी वॉट एवर हैपन्स यू नो, जब भी किसी को कोई भी यू गेट समथिंग टू पैट योर बैक, इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग. वेर एवर इट कम्स फ्रॉम, हाउ एवर इट हैपन्स, देयर सम पीपल हु हैव थॉट यू आर गुड इनफ टू बी सराहाया जाए आपको, तो अच्छा लगता है ना हमेशा. आई थिंक एवरी डे इज वुमेंस डे. वो एक दिन का वुमेंस डे मुझे समझ में आता नहीं है. मुझे लगता है वुमेंस एनी वेज रूल, एंड आई शुड नॉट सेलिब्रेट वुमेंस डे जस्ट वंस अ ईयर. आई थिंक इट्स आई समहाउ हैव अ प्रॉब्लम विद वैलेंटाइन डे ऑल्सो, एक ही दिन क्यों प्यार करना है. तो आई थिंक एवरी डे इटसेल्फ इज अ डे दैट यू कैन सेलिब्रेट व्हेन यू वांट टू सेलिब्रेट समवन इम्पोर्टेंट. हाँ प्लीज़ यार, होली खेलो पर किसी को आँखों में कलर वाला मत डालना, ऑयल वॉयल फेस वर्क मत करना, बड़ा वाट लग जाती है नेक्स्ट डे दूसरों की जब लोग बाहर जाते हैं. एंड इन्जॉय द होली. होली इज़ अ वेरी गुड फेस्टिवल टू हैव फन, गो आउट हैव फन.
क्लास ऑफ 2020 आप लोगों ने बहुत पसंद किया, पीपल आर लविंग इट, थैंक यू सो मच, एंड नाउ दैट एकता हैज अनाउंस्ड द नेक्स्ट फोर सीजंस सो आई थिंक इट विल बी क्वाइट एक्साइटिंग टू सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन द लाइव्स ऑफ डिनोबली आई गेस स्टूडेंट्स नेक्स्ट. हेलो सर, प्रणाम. आप ही सुन रहे हैं भारत आइकन का, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या विश करेंगे? वेल, ऑन द फिफ्थ ईयर ऑफ भारत आइकॉन, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पाँचवा साल इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड टू एस्टेब्लिश दिस पर्टिकुलर प्रेस्टिजियस फंक्शन एंड द अवार्ड फंक्शन, जहाँ हर योग्य इंसान को उसकी योग्यता के हिसाब से ही उनको इज्जत बख्शी जाती है, नवाजा जाता है. सो इट्स ए प्लेजर टू बी ए पार्ट ऑफ द फिफ्थ भारत आइकॉन अवार्ड, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू देम फॉर द एंडेवर नाउ एंड ऑल्सो इन फ्यूचर. ऑफकोर्स इसके साथ साथ पहले भी मैं इस अवार्ड फंक्शन में 2 साल पहले आया था, when I was awarded for my contribution in the media and television industry. So I am very happy to be part of the same organization once again. जहाँ तक होली का सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि होली एक ऐसा त्यौहार है जो रंगों का त्यौहार है, लेकिन आज जो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी कोरोना वायरस का प्रॉब्लम जो चल रहा है, समस्या जो चल रही है, so be safe and restrict yourself, don't go out and play the holi, because health is wealth and it is important to take care of your health. So anyways, all the best, but holi ki bahut bahut aap sabko shubhkamnaen. Thank you very much. Thank you. मैंने तो बोल दिया, सवाल ले लो, मैं बोल दिया आपके साथ. ओके सर, भारत आई का नाम अखिल बंसल आयोजक, अखिल बंसल आयोजक. ओके आएंगे या एनीथिंग? ओके राइट, आप जस्ट अभी अंदर से आए, अंदर का माहौल तो हमें कुछ पता नहीं, अगर थोड़ा शेयर करना चाहेंगे कि कैसा माहौल है अंदर? अंदर बहुत अच्छा माहौल है, बहुत ही शांति से सभी लोग शो को देख रहे हैं, और बहुत सीनियर्स लोग वहाँ पर मौजूद हैं, और बहुत ही पॉजिटिव माहौल है. ओके, तो कितना एंजॉय किया आपने फिफ्थ एडिशन में? भारत आइकॉन बहुत ही अवार्ड प्रसिद्ध अवार्ड है. मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे इस साल चुना गया इसके लिए, और मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे चुना, और उम्मीद करती हूँ कि ये एडिशंस जो हैं ये 100 क्रॉस करें. ओके, आपको बहुत सारे अवार्ड मिले रहे हैं आज तक, कितने मायने रखते हैं आपकी लाइफ? अवार्ड्स हर कलाकार के ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अवार्ड मिलने के बाद ये फील होता है, ये महसूस होता है कि हम वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें आगे और मेहनत करनी है और अच्छा काम करना है. ओके, होली भी आ रही है, तो होली के क्या प्लान है? मैं चाहूँगी कि हमारे साथ एक हमारे काफ़ी पॉपुलर सिंगर मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी होली की शुभकामनाएं या जो भी प्लान है चिंटू, प्लीज़ आप शेयर करें. आप पहले शुभकामनाएं दीजिए. मैं ज़रूर दूँगी, लेकिन फर्स्ट यू गाओ ना यार कुछ होली के लिए. तो खैर, अभी हमने प्रोग्राम किया ही है होली विशेष फगुआ 2020, जो कि अभी मैंने बताया कि 9 मार्च को आने वाला है. सबसे पहले पूरे तमाम दर्शकों को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को साल का सबसे रंगीन और सबसे खूबसूरत त्यौहार होली की ढेर सारी शुभकामनाएं. आप सबके जीवन में होली के रंगों की तरह आप सबका जीवन रंगीन हो, खुश मिजाज हो, आपस में प्यार बढ़ाएँ, एकता बढ़ाएँ, नफरत द्वेष बिल्कुल मत बढ़ाएँ, क्योंकि अभी हिंदुस्तान जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है इसमें प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो इस होली, अब की होली बहुत ज़्यादा प्यार से मनाइए, गले लगकर मनाइए, सारे गिले शिकवे को भूलकर अपने आस पड़ोस प्यार फैलाइए, क्योंकि यही हमारे हिंदुस्तान की पहचान है, यही हमारा हिंदुस्तान दर्शाता है. हमारा हिंदुस्तान पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में अगर हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश मशहूर है तो इसी बात पर, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग जात के, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग क्रीड के, अलग अलग रंग के, अलग अलग रूप के लोग एक साथ रहते हैं. तो आप सब लोग इस बात को बिल्कुल बोल रहा हूँ अन्यथा मत जा रहे थे, और प्यार बढ़ाए. देखिए हम लोग कितना प्यार बढ़ा रहे हैं, तो प्यार बढ़ाएं, जाकर भोजपुरी फिल्में देखिए, खूब सारा प्यार दीजिए, यूट्यूब पर गाने सुनिए, और फिर से आप सबको होली के ढेर सारी शुभकामनाएं. बोला जोगीरा सारा रा रा जोगीरा सारा रा रा.
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्लान होली पे है, मैं होली इस बार गोवा में मनाऊंगा। वाह, तो आप गोवा में मनाइए। आप सभी बोले जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, होली है बस, जोगीरा सारा रारा रा, जोगीरा सारा रारा, एक बार एक बार जोगीरा सारा रारा रा, हां राइट राइट, थैंक यू थैंक यू और सेंटर सेंटर में।